डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, या फिर करंट कैरिंग वायर, और जो सर्कुलर शेप में आपने क्या कर दिया, उसको बैंड कर दिया। भाई अब तक आपने ऐसे अगर कोई एक स्ट्रेट वायर रहता था और उसके अंदर करंट फ्लो करती थी आई, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ विल सी व्हाट चेंजेस विल अकर इफ वी बैंड दैट वायर। ये जो वायर है आपके पास, इसको आपने क्या किया, ऐसे करके इस वायर को ऐसे बैंड कर दिया आपने, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर सेम। ये आपके पास बैटरी है, बैटरी में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक की लगा दीजिए, प्लग की जिसको आप बोलते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू आर नॉट इन नीड टू हैव अ करंट फ्लो, जब आपको लगता है कि आप करंट फ्लो कराने की जरूरत नहीं है, तो उस की को आप निकाल दीजिए, अदरवाइज उस की को वापस आप सर्किट में लगा दीजिए। व्हेन द करंट फ्लोज इन अ सर्कुलर वायर और कॉयल, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हैज स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स नियर द सेंटर ऑफ द कॉयल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, आपने ये बैटरी लगाई, इससे करंट फ्लो हो रही है, और आप करंट देख रहे हैं कि ये आपका करंट जो है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फ्लो कर रही है। तो अगर हम एक कंपस की हेल्प से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, एक कंपस लेते हैं और उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इसकी, तो वी विल ऑब्जर्व दैट नियर द सेंटर, यहाँ पे जो कॉयल का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, ये लाइन जो हम देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो लाइन है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और रेस्ट ऑफ द वायर, वायर के जो बाकी पार्ट हैं, अगर उनको आप एक छोटे छोटे सेगमेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि भाई एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व कि उसके आसपास जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी वो सर्कुलर ही आएंगी, वैसे जैसे कि आपकी इस वाले वायर में आती थी, जो आपके पास स्ट्रेट वायर होता था उसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी आपकी, और वो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी शेप में, और उन सबका सेंटर उस सेगमेंट के ऊपर होगा जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। द पैरेलल लाइंस आर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। अब देखिए जो कॉयल आप देख रहे हैं, इस कॉयल में हमने क्या किया हुआ है कि एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उस कार्डबोर्ड के अंदर एक दो ड्रिल किए हुए हैं, और वायर का हाफ पार्ट हमने कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है और बाकी हाफ पार्ट कहाँ पे रखा है, नीचे रखा है। तो अब जो करंट की डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहेगी, जब तक आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज नहीं कर रहे तो क्या होगा, सेम रहेगी। तो उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि जो करंट है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। अब वो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पास वायर है, अगर मैं इसको छोटे छोटे सेगमेंट में कंसिडर करूँ कि भाई एक छोटा सा पीस ये है, एक छोटा सा पीस ये, एक छोटा सा पीस ये है, ये है, इस तरीके से, तो हर एक के आसपास सर्कुलर आप मान सकते हो कि ये छोटा सा कंडक्टर है, और आप देख सकते हो कि इसमें डायरेक्ट करंट कहाँ पे जा रही है, अपवर्ड जा रही है, ऐसे अपवर्ड जा रही है ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो आप क्या करोगे, अगर करंट आपकी अपवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी उनकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी क्या, राइट हैंड थंब रूल से अगर आपका थंब अपवर्ड है इस डायरेक्शन में तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। तो यहाँ तक वाले पार्ट में आपकी डायरेक्शन इसी तरीके से रहेंगी, और जब आप लोअर पार्ट में आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अब करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे, तो अब आपको अपने थंब की डायरेक्शन कहाँ करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ। जब थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो अब आपकी जो फिंगर है वो किस तरफ कर्ल होंगी, इसके ऑपोजिट साइड, यहाँ पे ऐसे कर्ल हो रही थी और अब आपकी वो फिंगर्स जो है वो इस तरीके से कर्ल होंगी, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का क्लोज लूप आपके बन जाएंगे जिनकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं, एक जब आपकी करंट ऊपर जा रही है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रही है आपकी कर्लिंग की डायरेक्शन, और जब करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होगी तो आपकी कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको आगे। स्ट्रेट लाइन एट द मिडल ऑफ द कॉयल आर ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉयल इज सराउंडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। बीच में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो एक बड़ी लाइन आ रही है और वो क्या है, स्ट्रेट है, वो सर्कुलर नहीं है,
तो वहां पे क्या हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, कॉयल के सेंटर में ऑल लाइंस ऑफ फोर्सेस एडिड टू ईच अदर रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। और वो इसलिए है कि जो सारे वायर के छोटे छोटे सेगमेंट आपने कंसिडर किए हैं वो उसको क्या दे रहे हैं, एक रिजल्टेंट और एक नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड है कि जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, ये तो हमें पता ही है, बी विल बी प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉयल। मीन्स कॉयल की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी तो वो पॉइंट्स आपके उतने ही दूर होंगे। भाई अगर इतना है तो सेंटर ये है तो आर इतना हो गया, और अगर बड़ा सर्कल हो गया तो आर आपका दूर हो गया। ऐसे ही आपका सर्कुलर कॉयल की रेडियस जितनी ज़्यादा होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उन पॉइंट्स पे उतनी ही कम होती जाएगी। और एक दूसरा भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉयल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसके ऊपर, नंबर ऑफ कॉयल्स के ऊपर, यानी कि इस कॉयल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने लगाए होंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी हैवी कॉयल हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो जब इन तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आएगा बी प्रोपोर्शनल टू एन आई अपॉन आर, और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आप हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट इंटू 2 पाई एन आई अपॉन आर, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक रिलेशन जिससे कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो उस कॉइल का।